ए, वो देख वो देख वो देख वो देख। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। अच्छा, हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। दो युद्ध के बावजूद और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों, संसद में चल रहे आखिरी मानसून सत्र के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपना आखिरी भाषण दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब भी आती है वह महंगाई को साथ में लाती है और हमारी सरकार ने महंगाई को काबू में रखा है, महंगाई को नियंत्रण में रखा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया सुर्खियों में है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी नेता और सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देकर उनका जमकर मजाक बना रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक महंगाई नियंत्रण में है। 2014 के पहले गैस सिलेंडर 450 रुपए का था, आज वही सिलेंडर 1200 के लगभग मिल रहा है। पेट्रोल डीजल 2014 के पहले 60 से 70 रुपए में मिलता था, आज वही पेट्रोल डीजल 100 से 110 रुपए में मिल रहा है। दूध की थैली 30 रुपए की मिलती थी, आज वही दूध की थैली 65 रुपए की मिल रही है। सरसों का तेल 100 रुपए का था, आज वही सरसों का तेल 200 के करीब मिल रहा है। फिर किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा है? लोकसभा के मंदिर के अंदर से प्रधानमंत्री मोदी का झूठ बोलता हुआ यह वीडियो अब सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत का कारण भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे दो देशों के युद्ध को लेकर भी कहा कि दो देशों के युद्ध के बीच भी हमने महंगाई को कंट्रोल में किया है। अब दोस्तों, दो देशों के युद्ध से हमारे और देश के महंगाई से क्या लेना देना है, हमें इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। प्रधानमंत्री मोदी के इस वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए एक यूजर ने कहा, जब कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक, हम तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, आप सबकी रुक रही हो तो बताओ। दीपक सिंह ने तंज कसते हुए कांग्रेस की महंगाई और बीजेपी की सस्ताई पर तंज किया है। कांग्रेस की महंगाई में दूध 30 रुपए और बीजेपी की सस्ताई में दूध 65 रुपए, दाल कांग्रेस की महंगाई में 80 रुपए और बीजेपी की सस्ताई में 220 रुपए में बिक रही है, ऐसा उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है। और आगे लिखते हैं, लिस्ट भी बहुत लंबी है। ठाकुर कुलदीप सिंह लिखते हैं, मैंने जीवन में ऐसा जुट्ठा इंसान नहीं देखा जिसे आज रोज रोज देखना पड़ रहा है। राम सनन लिखते हैं, मतलब कि 2014 से अब तक कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है जो महंगाई चरम सीमा पर है।